हेलो दोस्तों, वेलकम बैक समर टेक में। आज हम कुछ नया जानकारी फिर से लेकर के आया। हिमालयन का टायर कैसे खोलना है और कैसे फिटिंग करना वो दिखाने वाला है, और टूल्स क्या क्या चाहिए वो हम जानकारी देने वाला है। फर्स्ट है आप लोग का 24 रिंग पन्ना होने से भी हो जाएगा, कोई भी बॉक्स होने से भी हो जाएगा, 24 का सॉकेट होने से भी हो जाएगा, और एलंकी 6 नंबर चाहिए फ्रंट का टायर खोलने के लिए। उसका बाद 12 रिंग, ये 3 टूल्स होने से हो जाएगा। और आप लोग को टायर अगर चेंज करना है, ट्यूब लोग कुछ पंचर हो गया, तो आप लोग कुछ लोहा मॉडिफाई करके थोड़ा लंबा करके बना करके आप लोग ले सकते हैं। आप लोग का बॉक्स में थोड़ा इमरजेंसी के लिए डालो और ट्यूब लोग। तो जो जो नया राइडर्स लोग है उसके लिए ये जानकारी है, जो पुराना है वो लोग तो बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा, इसलिए लोग को इतना नहीं बताना चाहता हूँ। जो नया लोग जा रहे हैं तो फ्रंट का अगर टायर पंचर होने से पीछे का भी थोड़ा दिक्कत होगा, पीछे का आगे का थोड़ा आराम है। तो कैसे खोलना आप लोग को इसमें जानकारी दिखाने वाला है, तो ध्यान से देखो। गाइस शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो 24 बॉक्स सॉकेट से खुल रहा है, इसको घुराना है, और एक वॉशर भी होगा अंदर में। पहले नट को खोल देना है और इसको पैकिंग अच्छे से देना है, नहीं तो गिर जाएगा टायर खोलने के समय में फ्रंट का। और एलंकी ये देखो, पूरा मत खोलो, थोड़ा लूज करने से हो गया, तो इसको मार करके निकालो। बहुत आराम से सिंपल से है टायर खोलने के लिए, कोई आप लोग छिनी कुछ होने से ऐसे मार करके निकालो। छोटा सा एक्सेल निकल गया, तो धीरे से खींचने से आ जाएगा। अभी कैलिपर मत खोलो, कैलिपर जब लगाने के समय में आप लोग लगा सकेगा। तो ये टायर खुल दिया, तो ये 12 रिंग से हम खुल रहे हैं कैलिपर को, 2 है बोल्ट, तो इसको घुरा करके खोलो आराम से। और लगाने का तरीका हम फिर से दिखाएगा, देखो ये सिंपल खुलने के तरीका। लगाने के समय में ये कैलिपर खुलना चाहिए आप लोग को, नहीं तो दिक्कत होगा। नहीं खुलने से भी होगा, लेकिन हम लोग जो जैसा करता है आप लोग को इतना आइडिया नहीं मिलेगा, इसलिए ये पूरा खोल करके दिखाया। तो अभी ये हलने के समय में ये देखो, ये स्पीड मीटर है उसका, जो लॉक सिस्टम है, देखो हाफ में कैसा है, तो ऐसे करके ढाल देना है लोग को सीधा करके। बहुत सिंपल सा है डालने के लिए, इतना दिक्कत नहीं है। तो अभी ये थोड़ा सीधा करके अब देखो स्पेसर को थोड़ा ध्यान से देखो हलने का समय में, नहीं तो भूल जाएगा आप लोग। और चक्का खोलने का समय में तो ऐसे गिर जाता है, तो आप लोग इसको उठा करके डालना है। बहुत आदमी लोग स्पेसर भूल जाते हैं, ये ध्यान रखो। और BS6 का 2 होता है ये वॉशर, स्पेसर बोलता है इसको, लेकिन BS4 में सिर्फ एक ही रहता है, BS3-4 में। अभी जो नया BS6 में 2 है, तो एक्सेल को अभी डालना है। ये भी लॉक, देखो ड्राइव में भी एक लॉक सिस्टम है, उसको देख करके डालना है, थोड़ा अंदर में घुसा देना, उसके बाद सीधा हो गया, अभी एक्सेल डाल सकेगा। और इधर भी सीधा करना है, ये हलने के समय में गिर जाता है। ठीक, पकड़ करके इसको डालना है। सिंपल है टायर खोलने का, इतना दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा हो गया, अभी एक्सेल आराम से जाएगा। तो अभी देखो इसको मर्तल से थोड़ा मारना है, जो जहाँ में टाइट होने से, तो ऐसे करके मारना है। और इसमें एक लॉक जैसा होगा जो दिखे, थोड़ा मोटा है, तो उसको भी थोड़ा उठा करके मारना है। और इस तरफ भी ऐसा है, तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डालना है। ज़्यादा ज़ोर से मत मारो, ताकि थ्रेड खराब ना होने के लिए। अगर ज़ोर से मारा तो थ्रेड खराब होगा। देखो यहाँ में एक लॉक जैसा है, वो भी घुसना चाहिए। ये पार्ट थोड़ा मोटा है, तो इसलिए ठीक देख करके मारना है इसको। इसको थोड़ा हिलाना है,
ये चला गया। इसको अभी लिंक ही टाइट कर देना है, इस तरफ में टाइट करके उधर 24 टाइट करना है। ज़्यादा ओवर टाइट मत करो, मीडियम टाइट करने से हो जाएगा। हो गया बस, और 24 नट को डालो, वॉशर को मत भूलो, इसको थोड़ा साफ करना है नहीं तो थ्रेड खराब हो सकता है। बस ये वॉशर डालो और ये नट, ये सिंपल है। और क्लिपर कैसे डालना है देखो, ये क्लिपर का गैप है तो ऐसे करके डालना है। बस 12 रिंग से टाइट कर देना है, बस आराम से, इतना दिक्कत नहीं है। मीडियम टाइट करना है इसको, बस हो गया। और ये ABS का है केवल सेंसर, इसको नहीं खुलने से भी होगा लेकिन हम इसे खुल करके दिखाया, अगर आप लोग फोक भी खुलने से, लेकिन इसको नहीं खुलने से हो जाएगा। आप लोग सिर्फ क्लिपर और 24 और लेंकी, बस लेंकी 6, बस ये हो गया। ज़्यादा ओवर टाइट मत करो ये लोग को, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, उसका थ्रेड थोड़ा ख़राब है हिलाने के समय, नहीं तो निकल जाएगा। और इसका ये डालने के लिए मत बोलो, ये रबर एक लॉक जैसा होता है,